व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, तो कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो और मेरे प्यारे यूट्यूब के वासियों, क्या चल रहा है आजकल? हाँ, मुझे पता है इसके वजह से थोड़ा अजीब सा लुक्स आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता यार। एक दिन में तो दाढ़ी मुझे बढ़ा नहीं सकता हूँ, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो ना यार। मैं भी तो कर रहा हूँ ना, एक दिन में थोड़ा फेस कैम वीडियो थोड़ा ले दे के मामला सेट कर दो ना। तो मेरा कहने का मतलब ये फेस कैम वीडियो इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। क्या कर सकता भी, अरे पता नहीं ये म्यूजिकली वाले कैसे कर लेते हैं। तो देखो यार, जैसे कि मैंने बोला था पहले से ही कि 31 दिसंबर एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो एज अ फेस कैम वीडियो ये थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये कोई ना ही रोस्टिंग वीडियोस रहेगा, ना ही कोई फनी वीडियो रहेगा। ये थोड़ा रिवाइंड टाइप रहेगा जो मेरे ही चैनल का होगा, रिवाइंड टाइप का होगा और कुछ बताने वाला हो, थोड़ा इंस्पिरेशन वीडियो आई थिंक हो सकता है अगर तुम लोग पूरा वीडियो ठीक से देखो तो। ठीक है, तो ये इस काइंड ऑफ रिवाइंड वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं अपने पिछले सारे वीडियोस बताने वाला हूँ तुम लोगों को। मतलब सारे तो नहीं बता सकता बट कुछ बताने वाला हूँ, एंड मैं अपने इंप्रूवमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा क्योंकि देखो मैं बहुत सा इंप्रूवमेंट्स किया हूँ ये यूट्यूब की वजह से, एंड मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ इसकी वजह से। एंड मैं तुम लोगों को शो कराना चाहता हूँ कि इतना बेटर फील कर रहा हूँ, एंड तुम लोगों को भी ये सब बताना चाहता हूँ ठीक से। तो थोड़ा देखते रहो एंड तुम लोगों को भी पता चल जाएगा कि फनी तो नहीं बोल सकता बट ट्राई करता हूँ थोड़ा फनी लाने के लिए। ये कुछ ऐसी बात है कि मतलब मैंने अपने इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताऊँ। हाँ, उससे पहले तुम लोग मेरा ये वाला वीडियो देख लो यार, फिर तुम लोग समझ जाओगे कि मैं किस लिए ऐसे इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ एंड यूट्यूब के बारे में इतना बता रहा हूँ। पहले ये मेरा पहले का वीडियो देख लो जरा। पश्चिम कर रहा है, ये कुछ अलग सा नहीं हो गया? चलिए देखते हैं ये बंदा है कौन। ओहो, इसका खुद का भी एक चैनल है। चलिए देख लेते हैं जो दूसरे को ऐसा कमेंट करता है उसका खुद का चैनल कैसा है। अरे यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में मैं इतने ड्रामे करता था क्या पहले यार। और मेरे दोस्त लोग भी क्या कमेंट करते थे यार, वाओ अमेजिंग नाइस। यार सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतना इंप्रूव हो चुका हूँ यार। मेरे अभी के वीडियोस देख लो, तुम लोग समझ जाओगे यार कि मैं पहले कितना ड्रामे करता था यार वीडियोस में। एक दिन क्या हुआ, मैं रास्ते से जा रहा था और दूर खड़ा देखता हूँ मेरा दोस्त आईफोन में बात कर रहा है। मैं ये देख के पूरा शॉक हो गया। अरे जाहिर सी बात है यार, जो बंदा स्क्रीन टच फोन लेने की औकात नहीं रखता वो आईफोन लेके बैठा है। अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलने वाला यार सीरियसली, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मैं अपने ही वीडियोस की रोस्टिंग कर रहा हूँ। और मेरे कुछ दोस्त नहीं बोलूंगा यार, फरिश्ते बोलूंगा क्योंकि यार मेरे स्टट्टी कंटेंट में भी उन लोग ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखे ना। मतलब सीरियसली मुझे लगने लगा था कि ये कितने अच्छे वीडियोस है तभी के टाइम में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे दोस्त सबको मिले। यार मुझे अब भी हंसी आ रही है वो वाले वीडियो पर, तब भी उतना नहीं आता था बट अभी सीरियसली मैं पिछले वीडियोस देख के बहुत हंसी आ रहा है। मतलब कैसे मैं कर लेता था यार वैसे वीडियोस यार। मतलब अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स देख रहा हूँ एंड मुझे लिटरली उस वीडियोस पर हंसी आ रहा है। एंड मैं उम्मीद भी करता हूँ कि अगले कभी ऐसा भी वीडियोस आएगा जब ये वाले वीडियोस देख के मैं हंसूंगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट वीडियोस एंड वेटिंग फॉर दैट मोमेंट मैन। क्योंकि ये चीज़ होता है कि हमें अपने इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलता है, एंड मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। एंड सच बताओ तो हाँ चल रहा है यार, मतलब तो इतने इम्प्रूवमेंट इतने कम टाइम में, कभी मैंने अपने स्टडीज में भी इतने जल्दी इम्प्रूवमेंट्स नहीं किए यार। मतलब तो सीरियसली इतने इम्प्रूवमेंट्स यार, क्या चल रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ कॉम्पिटिशन के बारे में। अब सब लोग बोलते हैं भाई यूट्यूब में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हम लोग सब लोग दोस्त है, ये है वो है, बट डीप डाउन ऑल वी नो कि कॉम्पिटिशन होता है सब यूट्यूबर के बीच। तो मेरा भी कॉम्पिटिटर है और रहेगा हमेशा के लिए, जिसका नाम है अर्बन पेंडू। तुम लोग तो जानते होगे, बंदा पाकिस्तानी है एंड अच्छा रोस्टर है। तो अब हम लोग का भी कंपटीशन शुरू हुआ था, एक जैसे मैंने कंपटीशन लगा था कि अगर उसने 1000 क्रॉस कर लिया इस ईयर से पहले तो वो जीत गया।
एंड अगर मैंने उसको क्रॉस कर लिया इस ईयर से पहले तो मैं जीत गया। तो मतलब कॉम्पिटिशन ऐसा था, तो हम लोग ने भी मतलब उसको भी अच्छा लगा कॉम्पिटिशन एंड उसने भी पार्टिसिपेट कर लिया, चलो देखते क्या होता है। बट एक्चुअली अभी ऐसा हो गया, ना ही मैं उसको हरा पाया और ना ही वो 1000 क्रॉस कर पाया, तो ना ही वो कॉम्पिटिशन जीता और ना ही मैं, तो इस मतलब दोनों ही हार गए। तो ये अच्छा लगा मुझे कि हम लोग इसमें कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं, फन भी कर सकते हैं एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक ये प्रॉपर यूट्यूब रिवाइंड, मैं तो यही थिंक करता हूँ कि इट्स लाइक गुड रिवाइंड ऑफ माय चैनल एंड मुझे इससे इम्प्रूव होना चाहिए। पता नहीं लोग तुम लोगों को शायद थोड़ा बोरिंग लगे, बट इस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये बनाने में सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इस टाइप के वीडियोस कभी नहीं बनाए और मुझे पता है कि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, बट सीरियसली यार मुझे उन लोगों को थैंक यू बोलना है जो मेरे दोस्त थे एंड मेरे ही क्लासमेट मुझे एकदम पहले से सपोर्ट करते हैं, जब से मेरा पहला वीडियो बना था। एंड उन लोग ऐसा नहीं कि सीरियसली पहले वीडियो थर्टी थे, बट उन लोग फिर भी सपोर्ट करते हैं एंड मुझे बोलते हैं कि कर, हम लोग सपोर्ट के लिए है तेरे पास। ऐसे दोस्त यार मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए सीरियसली। एंड मुझे वो भी उन लोगों को भी थैंक यू बोलना है जिन लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोग मुझे फुल सपोर्ट करते हैं कि शेयर करके कमेंट करके और मुझे बताते कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लाने हैं मुझे और अपने वीडियो में, तो उन लोगों को भी बड़ा थैंक यू यार। और मुझे उन लोगों को भी थैंक यू बोलना है जो मुझे टॉपिक बताते एंड बताते कि तू ये ट्राई कर, क्यों नहीं ट्राई करता ये ट्राई कर। सीरियसली यार मुझे लगता है कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया हूँ यार सबके लिए। एंड जबकि कुछ दिन पहले मुझे कोई पूछता नहीं था, अभी कोई पूछता है कि भाई तू अच्छा कर रहा है एंड तुझे ये करते रहना चाहिए। अब ये फिक्स नहीं है कि यूट्यूब में एज अ मेन कैरियर लूंगा या नहीं, बट अभी तक कुछ फिक्स नहीं किया है, बट अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बट सीरियसली यार यूट्यूब एज ए कैरियर ले लूंगा, बट उसके लिए मुझे उतने डेवलप दिखने चाहिए। ये तो बस थोड़ा डेवलप दिख रहा है मुझे, बट इतने इम्प्रूवमेंट्स अगर आगे जाके हुआ ना भाई सीरियसली मैं यूट्यूब एज ए कैरियर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। हाँ मैं सीरियसली यार इतना अच्छा फील कर रहा हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि मेरे वीडियोस अभी सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज से भी देखा जाता है एंड यही मेरे लिए बहुत अच्छा फील करता है कि अगर तुम लोग देखने जाओ मेरा वीडियो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान एंड अमेरिका में भी व्यूज आ रहे हैं। देखो अगर तुम लोग चेक करने जाओ 50% अगर इंडिया से मिल रहा है तो 50% अमेरिका एंड पाकिस्तान से मिल रहा है। तो सीरियसली उन लोग भी इतने पहले में अगर देखता तो 78-90% इंडिया से आते थे, बट अभी 50% इंडिया से आ रहे हैं एंड 50% दूसरी कंट्री से आ रहे हैं। सीरियसली यार मतलब इससे खुशी की बात क्या हो सकती है यार कि मेरे वीडियोस वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। पता है कम लोग देख रहे, बट इससे खुशी कुछ नहीं हो सकता यार। अब मैं एक मैसेज देना चाहूंगा उन यूट्यूबर्स को जिन लोग बस हाल ही में यूट्यूब स्टार्ट किए एंड एक दो वीडियोस बना के बस हार मान गए, ये समझ के कि वीडियोस वायरल नहीं हो रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे एंड बहुत कुछ सोच के बस हार मान ली। मैं बस उन लोगों को मैसेज देना चाहूंगा भाई ये सब ऐसे नहीं होता। अगर तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर तुम पहले महीने से अगर एक दो दिन वीडियोस बना के छोड़ दिए तो भाई ये ऐसे यूट्यूबर नहीं बनते। अगर तुम बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो आज फेमस है लाइक बीबी की वाइंस, आशीष, कैरी मिनाटी, उन लोग फटक से वायरल नहीं हुए थे। हाँ उन लोग का कंटेंट एकदम धुआंधार है, फटक से फेमस जैसा होने जैसा है, बट उन लोग भी एक टाइम में बहुत ही बुरा वीडियोस बना रहे थे। हाँ मुझे पता है कोई भी ऑफेंड हो जाएंगे, बट जो सच है वही है, उन लोग एक टाइम में अलग ही टाइप का कंटेंट बनाते थे, बट अब भी इम्प्रूव हुए यूट्यूब की वजह से। रोज उन लोग इम्प्रूव करते जाते एंड उन लोग फेमस हो गए। तो ऐसा ही होता है हर यूट्यूबर के साथ जो वीडियोस बनाते हैं, तो मेरे साथ भी वो हो रहा है एंड मैं वो फील कर पा रहा हूँ। अगर तुम लोग मेरे पहले वीडियोस से अभी तक सारे वीडियोस देखे हुए तो तुम लोग समझ जाओगे कि मैं किस लेवल में इम्प्रूव हुआ। तो मैं यही बोलना चाहूंगा अगर तुम वो ऐसे एक नया यूट्यूबर हो तो हार मत मानो, बस वीडियोस बनाते जाओ एंड तुम्हें एक टाइम आएगा जब वीडियोस वायरल हो जाएंगे तुम्हारे एंड तुम भी फेमस हो जाओगे। तो मुझे बस यही कहना है कि तुम वीडियोस बनाना मत छोड़ो। और जिन लोग सोचते हैं कि मैं वीडियो दूसरे मेरे वीडियो ये करेंगे कम्युनिटी टैब में डाल देंगे, शाउट आउट दे देंगे, भाई इससे फेमस हो जाओगे, भाई इससे उसका नाम अच्छा आएगा बट तुम उससे फेमस नहीं होगे। मानता हूँ इससे थोड़े व्यूज मिल जाएंगे बट उससे कुछ काम नहीं आता। तो बस यही उम्मीद करूंगा कि तुम लोग ये सब बातें ध्यान में रखूंगा। हाँ मुझे पता थोड़ा ज़्यादा ही बकवास कर देता हूँ कभी कभी, बट अगर तुम लोग वो ध्यान में रख के वीडियोज बनाओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग कुछ ना कुछ कर ही जाओगे यार। मेरा पता नहीं मैं क्या करूंगा, बट तुम लोग कर सकते हो यार अगर तुम लोग स्ट्रगल करोगे थोड़ा बहुत। मेरा तो यही कहना है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है यार।
अब हाँ मुझे पता है कि मैंने तुम लोग को बोर कर दिया फालतू में, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बट क्या कर सकते यार, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा अलग बनाना था एंड ये भी पहले ही मैंने बोल दिया था ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है मेरे चैनल में, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को पसंद आया होगा। एंड अब बात करेंगे हमारे न्यू ईयर रिजोल्यूशन के बारे में। देखो मेरा तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन यही है कि मैं तुम लोग को अच्छा अच्छा कॉन्टेंट प्रेजेंट कर सकूँ एंड मैं और इम्प्रूव कर सकूँ कि तुम लोग को भी मजा आए एंड मुझे भी मजा आया वीडियो बनाने में। एंड तुम लोगों का न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या होगा, मैं भी ये जानने में उत्साहित हूँ, तो हैशटैग न्यू ईयर रिजोल्यूशन करके तुम लोग डाल दो, तुम लोगों को क्या है वो मैं भी जान पाऊंगा कि क्या है तुम लोग का रिजोल्यूशन। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक, अगर तुम लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, फ्री है, और क्या बताऊं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।